नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अमेजन से जो है ईएमआई पर जो है फोन कैसे लिया जाता है। फोन लेने के लिए आप लोगों को जो पहले जो है पैसा जमा नहीं करना होता है। अमेजन से जो है ईएमआई पर फोन लेने के लिए अमेजन ऐप को जो है यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। हमें यही फोन जो है हमें लेना है, सैमसंग गैलेक्सी M15 5G फोन है। इस फोन में जो है 6000 mAh का बैटरी जो है दिए गए। आगे की कैमरा की बात करें तो 13 MP का है। पीछे की कैमरा जो है मेन कैमरा जो है 50 MP का है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल जो है कैमरा है 5 MP का है। एक माइक्रो कैमरा होता है जो 2 MP का है। तो आप अपने अनुसार जो है चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा जो है फोन लेना है। तो हमें यह फोन जो है पसंद आ चुका है। इसके बाद इस फोन में जो है मीडिया टेक का डायमेंसिटी जो है 6100 प्रोसेसर जो है दिया गया है। तो इसके बाद आप लोग नीचे में यहाँ पर आइएगा तो आप जो है चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर में जो है ये फोन जो है आपको लेना है। यहाँ से जो है कलर आप लोग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप लोग चूज करना होगा कि कौन सा रैम चाहिए आपको, 6 GB चाहिए या 4 GB चाहिए। तो हमें जो है 4 GB रैम वाला फोन चाहिए, क्योंकि इसका कीमत जो है हमारे लिए बेस्ट है। 13,000 रुपये में जो हमें मिल रहा है। 128 GB इंटरनल स्टोरेज जो है आपको देखने को मिलेगा सभी रैम में। इसके बाद आप लोग नीचे में आइएगा तो अगर आप मोबाइल का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए जो है बताया जाए बाय नाउ वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। जब बाय नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो अब हमें जो है पेमेंट करना है। तो देखिए अगर आपको अमेजन से जो है ईएमआई पर फोन लेना है तो आपके पास जो है अमेजन पे लेटर एक्टिवेट होना चाहिए, या आपके पास किसी भी बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या आपके पास बजाज ईएमआई का जो है कार्ड होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए बजाज का ईएमआई कार्ड है, इसी के जरिए जो है हम सैमसंग का फोन जो है लेने वाले हैं यहाँ से। तो अभी आपको क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले जो है बजाज का ईएमआई कार्ड जो है ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए अभी आपको ईएमआई का ऑप्शन जो है हमें दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ईएमआई वाला ऑप्शन पर जो है हम क्लिक करने वाले हैं। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पॉलिसी देखिए हमारा कार्ड ऐड है। इसके बाद हमें ऐड न्यू कार्ड वाला ऑप्शन पर जो है हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको कार्ड का डिटेल जो है इंटर करना होगा, डालना होगा। तो यहाँ पर कार्ड का सबसे पहले ऊपर में जो है नेम इंटर कीजिएगा, जिनके नेम से कार्ड बना हुआ है। इसके बाद कार्ड का यहाँ पर फुल नंबर जो है यहाँ पर डालना होगा। कार्ड का एक्सपायरी डेट और ईयर इंटर कीजिएगा। यहाँ पर ईएमआई चूज करने का ऑप्शन जो है हमें मिल चुका है कि आप ये फोन जो है 3 मंथ के लिए लेना चाहते हैं या 6 मंथ के लिए जो है लेना चाहते हैं। ये फोन जो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 2167 रुपये जो है आपको हर एक महीना जो है आपके अकाउंट से जो है कटने वाला है। लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो 4,333 रुपये आपके अकाउंट से जो है कटने वाला है। आप अपने अनुसार जो है चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा प्लान जो है बेस्ट है ईएमआई के लिए। तो हमें 6 मंथ वाला प्लान जो हम चूज किए। इसके बाद चूज ईएमआई प्लान वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक किए। अब इसके बाद अभी आप लोग को जो है कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जो है नीचे की तरफ आप लोग को जो है क्लिक करना होगा। जब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक इस तरीके का जो है एक मैसेज आ चुका है की ऑफ स्टेटमेंट, तो आप लोग जो है इसी पर जो है क्लिक करना होगा। जैसा कि इस मैसेज में एक लिंक का ऑप्शन दिया गया है तो उसी लिंक पर आप लोग जो है क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जाएगा कि ये आप जो फोन ले रहे हैं तो इस फोन में जो है ईएमआई जो है कब कटने वाला है, कितना आपको पैसा कब कब जो है आपको जमा करना होगा, कौन कौन से जो है आपको चार्ज देना होगा, सारा डिटेल जो है बताया जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ जो है यहाँ पर एग्री वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। जब एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को अभी आपको यहाँ पर डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद आपका फोन जो है ईएमआई पर बजाज ईएमआई कार्ड के जरिए जो है आप ले लिए हैं सैमसंग का फोन। इसी तरीके से आप जो है आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा होगा एक नीचे हमें कॉमेंट करके जो है बता सकते हैं।